दीपावली के एक महीने बाद जौनसार बावर के अलग अलग गांवों में पारंपरिक पूरी दिवाली का भिरूड़ी पर्व मनाया जाता है। इस दौरान पंचायती आंगन में गांव की सभी महिला पुरुष और बच्चों के द्वारा पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य किया जाता है। इस मौके पर लोगों को हरियाली दी जाती है जिसे लोग स्थानीय बोली में सोने की हरियाली कहते हैं। बूढ़ी दिवाली में भीमल की लकड़ी भी जो है उसकी मसाल बनाई जाती है जिसे जलाकर नृत्य किया जाता है। दीपावली मनाने का रिवाज पौराणिक काल से है। बता दें कि पूरी दीपावली में भीमल की लकड़ी से मशाल बनाई जाती है जिसे जलाकर नृत्य करते हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। वहीं स्थानीय भाषा में इसे होला कहा जाता है। यह खासियत यह है कि जौनसार बावर में पूरी दीपावली में पर्यावरण को प्रदूषित नहीं किया जाता, होम फ्रेंडली दीपावली मनाते हैं और रिवाज पौराणिक काल से है। यहाँ पर पटाखे आतिशबाजी का चलन तो नहीं है, इसलिए मशालों से गांव को रोशन किया जाता है। सुबह से सारे पुरुष जो है होला को जलाकर ढोल दमाऊ रणसिंगे के थाप पर अलग अलग प्रकार का जौनसारी नृत्य करते हैं। कालासी से राहुल सिंह रावत की रिपोर्ट। अयोध्या भगवान श्री रामचंद्र जी वापस लौटे थे तो उस समय ना तो कोई यहाँ पे संदेश पहुँचाया जाता था, ना ये फोन वगैरह होते थे, तो इसलिए जो यहाँ के लोग हैं इनको एक माह के बाद ही पता लगा कि भगवान श्री रामचंद्र जी वापस अयोध्या आ गए हैं। उनकी खुशियों में अमावस्या का दिन था, वही अमावस्या आज है और एक माह पहले भी अमावस्या होती थी। उस अमावस्या के दिन हम रामचंद्र जी भगवान जी के आराधना में ये जश्न मनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये काफ़ी पौराणिक त्यौहार है जो कि हमारी नई दीपावली होती है उसके एक महीने बाद मनाया जाता है और मेजरली ये जौनसारी जो जनजाति है उस एरिया में मनाया जाता है।